वरुण कुमार फोटोशॉप के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको फोटोशॉप में ओपेसिटी और फिल के बारे में पढ़ाऊंगा। मेरे पास दो लेयर्स हैं, एक तो है वाटर लेयर, दूसरी है शू की जो लेयर है। और मेरे पास ये दो कमांड है, ओपेसिटी और फिल। इन दोनों कमांड को हम कैसे कैसे यूज करेंगे, इनका प्रैक्टिकली वर्क क्या है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो ओपेसिटी जो होती है, किसी लेयर की हम ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। मैंने ये लेयर सेलेक्ट की और ओपेसिटी को अब 100% है, मैंने इसे 50% किया और आप देख सकते हैं कि इस लेयर की ट्रांसपेरेंसी अब कम होने लगी है। मैंने इसे 0 किया, तो ये वाली लेयर है, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 है। अब जो हमें इसकी जो बैक साइड पे लेयर है वो दिखाई दे रही है। अगर इसमें 50% रखता हूँ तो 38% मैंने रखा है, तो 38% इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इस लेयर की वो है। तो अब मैंने फिल पे गया, फिल पे मैंने फिल की वैल्यू उसको कम किया और इसकी ट्रांसपेरेंसी में अगेन वही चेंज हो रहा है। अब मैंने इसको 0 रखा है तो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल 0 हो चुकी है। तो इस तरह हम ओपेसिटी और फिल को यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ओपेसिटी और फिल में, इसके बारे में पढ़ाता हूं मैं आपको। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ओपेसिटी और फिल की डेफिनेशन है। ओपेसिटी कंट्रोल्स द ट्रांसपेरेंसी फॉर द एंटायर लेयर, बट इन द केस ऑफ फिल इट कंट्रोल्स द ट्रांसपेरेंसी फॉर द इंटीरियर ऑफ द लेयर एक्सेप्ट द लेयर स्टाइल। तो इसका मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ क्या मीनिंग है इसका। मेरे पास एक वॉलपेपर है, इस वॉलपेपर में मेरे पास दो लेयर्स हैं, एक तो है ग्रेटेड लेयर और दूसरी है टेक्स्ट लेयर। ये जो टेक्स्ट लेयर है, मैंने इसे एक लेयर स्टाइल देता हूं मैं। मैंने इस पे राइट क्लिक किया और देन वी हैव दिस ब्लेंडिंग ऑप्शन। मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन पे गया, मैंने इसे एक इफेक्ट दिया आउटर ग्लो का और मैंने इसकी जो वैल्यू है बढ़ा दी है, इसकी वैल्यू मैंने रखी है 38 और मैंने इसे एक स्ट्रोक का लेयर स्टाइल दिया है और इसकी मैं कलर रखूंगा इसका जो मैं पिंक और देन ओके देन ओके। तो ये जो डेफिनेशन है ओपेसिटी को, अगर मैं यहां से डाउन करता हूं, इसकी वैल्यू कम करता हूं, तो ओवरऑल जो है लेयर की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है ओपेसिटी। जैसे मैंने इसकी वैल्यू 0 रखी, तो ये जो टेक्स्ट लेयर है अब पूरी तरह हाइड हो चुकी है, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, तो मैंने इसकी वैल्यू रखी 100। बट इन द केस ऑफ फिल आई एम चेंजिंग दिस वैल्यू, मैंने इसे रखा अब 0। आप देख सकते हैं कि जो इंटायर लेयर है उसकी ओपेसिटी सेम है, बट जो इंटायर लेयर है उसकी ट्रांसपेरेंसी अब 0 हो चुकी है, बट जो लेयर स्टाइल है उसकी ट्रांसपेरेंसी सेम है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह ओपेसिटी और फिल को यूज कर सकते हैं। आपको मैं दोबारा बता दूं, सिंपली जो ओपेसिटी है वो ओवरऑल जो लेयर है उसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करेगी, बट इन केस ऑफ फिल ये जो उसकी ट्रांसपेरेंसी तो कंट्रोल करेगी, लेकिन जो उसका लेयर स्टाइल है उसको उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे अगर हम इस फिल की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। आपको दोबारा बता दूं, ये जो फिल है इसके साथ जो ये जो पॉइंट है डॉट है, इस पे मैंने क्लिक किया, एक ये जो पॉइंटर आपको अवेलेबल है, इसकी जो वैल्यू आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने इसकी वैल्यू फिल की पहली अब रखी है 0। आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो अब ट्रांसपेरेंस हो चुका है, लेकिन जो उसके लेयर स्टाइल हैं उसमें कोई भी फर्क नहीं आया है। तो इस तरह आप फिल को और ओपेसिटी को यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये ओपेसिटी और फिल का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। आप मुझे YouTube और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।